नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपना खूब खूब ध्यान रखोगे। दोस्तों तो बस अभी ना मॉर्निंग का टाइम हुआ है, तो अभी मैंने पूजा वूजा कर लिया है और पूजा करके मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं कि अब मेरे गार्डन में कैसा मतलब फूल खिलता है। तो ये देखिए मेरे गार्डन का ये येल्लो येल्लो फूल खिलता है और ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में, बहुत सुंदर लगता है देखिए। और भगवान जी को मैं चढ़ाती हूँ। पहले तो बहुत सारा रेड फूल खिलता था और जो अड़हुल फूल होता है ना वो वाला, तो आजकल नहीं खिल रहा है, तो आजकल येल्लो फूल खिल रहा है, तो उसी से काम चला ले रहे हैं और सब जगह चढ़ा देती हूँ मैं। तो आज दोस्तों ना मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा शेयर कर देते हैं। तो आज बना रही हूँ ये देखिए, मैंने दाल निकाल के रखा, चना का दाल है ये, तो चना का दाल भी है और आपने देखा होगा कि दूध का पैकेट भी रखा हुआ है। तो मतलब मैं बना रही हूँ आज अदरा। हम लोग में हिंदू हिंदू मतलब हिंदू धर्म नहीं, बहुत कोई में होता होगा, हिंदू धर्म तो नहीं बोल सकते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग मतलब मनाते होंगे। अभी ना अदरा एक होता है फेस्टिवल, तो वही मनाते होंगे। तो हाँ, उसमें ना सुन ये चने की दाल और खीर बनाया जाता है, दाल भर के पूड़ी बनाया जाता है, दल पूड़ी हम लोग बोलते हैं उसे, और अपना जो मन है सब्जी बना सकते हैं और उसमें आम भी रहता है, तो बहुत चीज़ ये सब होता है, तो ये सब बनता है और बना के खाया जाता है। तो ठीक मतलब कहते हैं कि बनाया जाता है और इससे ग्रह वगैरह जो भी रहते हैं आपके सर पे वो सब मतलब हट जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो ये देखिए मैं अभी तो चना के दाल को उबलने के लिए बैठा दी हूँ, ज़्यादा उबालना नहीं है क्योंकि इसको रोटी में भर के बनाना है, पूड़ी छानना है इसका। तो और वो क्या बोलते हैं, ये दूध का खीर बनाऊंगी, तो दूध को भी गर्म कर देती हूँ, गर्म पैकेट से निकाल के और ये पतीले में डाल दे रही हूँ, तो इसे भी गर्म कर दे रही हूँ और सारा मतलब तैयारी मैंने कर लिया है और अभी मैं बस फटाफट बना रही हूँ। और ऐसे मतलब थोड़ा सा तो मेरा हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मियों में तबीयत तो ज़्यादा अभी ठीक हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो फिर ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं मुझे उतना पता तो चलता नहीं है कि कब क्या है मतलब है, तो अभी मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं, और बनाना है अभी ही बनाओ या फिर बाद में बनाओ, तो चलो बना ही लेते हैं। तो चावल को मैंने ये क्या कहते हैं भी मतलब धो के रख लिया, थोड़ा सा ही चावल डालूंगी और एक पैकेट छोटा वाला पैकेट दूध था और मतलब पहले से घर में था और एक बड़ा पैकेट था, तो एक किलो वाला और आधा किलो वाला जैसे हाफ वाला था, तो ये क्या बोलते हैं दोनों मिला के 1.5 किलो दूध हो गया था। तो 1.5 किलो दूध में अच्छा खीर बन जाएगा और खीर बनाऊंगी और वही दाल भर के पूड़ी बनाऊंगी। तो दाल भी मेरा उबल ही चुका है, तो अभी मैं उसे भी देख ले रही हूँ, पहले खीर में चावल उबल डाल के और फिर मैंने सोचा ना कि चलो फिर आलू की ही सब्जी बना लेते हैं। तो आलू को मैं धो के उबलने चढ़ा देती हूँ, तो इसे मैं धो ले रही हूँ, तो चार पांच आलू मैंने बड़े बड़े हैं तो मैं इसे ले रही हूँ और इसी की सब्जी ऐसे ही ज़्यादा मतलब बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ और इसमें क्या कहते हैं इसे भून के और इसमें धनिया जीरा गोलकी ये सब डाल के और अच्छे से इसे भून के उसके बाद इसमें सारे कुछ डाल के और फिर पानी डाल दूँगी। तो ये सब्जी बच्चे लोगों को भी मेरा पसंद आता है और फिर ज़्यादा झमेला भी नहीं है, इतने सारा चीज़ बना रही हूँ तो फिर आसान सा सब्जी मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। और मतलब कि और भी सामान था जैसे कि कद्दू वगैरह भी था, तो कद्दू की सब्जी लौकी की सब्जी भी बना सकती थी, लेकिन फिर मैंने बोला ना कि आलू की ही सब्जी बना लेते हैं, बच्चे लोगों को भी अच्छा लगता है ये सब्जी इसीलिए। और फिर क्या बोलते हैं भिंडी था, कद्दू था, घर में था पड़ा हुआ। तो और ये देखिए मैंने दाल को पीस लिया है निकाल के और दाल को मतलब इधर खीर भी मेरी मतलब हो गई है, खीर बन गई है या बन रही है मुझे थोड़ा सा याद ध्यान नहीं है। और ये देखिए तो बस ये ना नया मतलब अदरा आप लोग भी मनाते होंगे तो बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। और ये देखिए बस आर आप लोग कैसे मनाते हैं वो भी बताइएगा, क्या क्या करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग पूजा तो नहीं करते हैं, ऐसे ही करते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं। और आटा भी मैंने मतलब लगा के रख दिया, थोड़ा आटा लगा के रखने से सॉफ्ट हो जाता है। और इसकी बनाऊंगी मैं, इसे भर के पूड़ियाँ बनाऊंगी गर्मा गर्म। और ये देखिए ये दाल की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी, इसमें मसाले वगैरह भी मैंने डाला है, तो मसाले में वही सब थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च ये सब कुछ डाल के
और मिला दिया, थोड़ा सा अदरक वगैरह भी डाल दिया है जो टेस्टी लगेगा, तो उसी में पीस दिया था। और अभी खीर मेरा बना नहीं था, बन रहा है दोस्तों। दोस्तों लगभग मेरी खीर बन ही गई है, थोड़ा सा और गाढ़ा होगा ना तो बन जाएगा। और दोस्तों नए घर में मैं आई हूँ ना, तो ये मतलब फेस्टिवल मैं पहली बार ही मना रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा क्लिप इधर उधर हो गया है लगता है। ये दाल अभी मतलब मैंने पीसा नहीं है, और उस टाइम आपको दिखाया था पीस ली थी, तो कभी कभी हो जाता है। और ना मैं इस घर में नए घर में ना पहली बार मतलब ये वाला मना रही हूँ फेस्टिवल, तो और बहुत कुछ मैंने बना लिया, और एक साथ इतना सारा कुछ करने से आप लोगों को पता ही है कितना हालत ख़राब हो जाता है। कमर टूट गई और हालत ख़राब हो गया दोस्तों ये सब करते करते। और मैंने सोचा रात बहुत कोई रात में ही बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में ही बना लेते हैं नाश्ता, मतलब नाश्ते के टाइम में। तो नाश्ता के टाइम में बना लेने से ना बच्चे लोग भी खा लेंगे, सब कोई खा लेगा, क्योंकि उस टाइम घर में सब कोई रहते हैं। और पूड़ी खीर और दाल ये देखिए दोस्तों, मैं अब ना दाल वाली पूड़ी भी छानते जा रही हूँ। जिसको जिसको खाना है ना, बस मैं उतने ही छानूंगी, ज़्यादा मैं छान के नहीं रखूँगी, क्योंकि छाना हुआ ना ठंडा हुआ मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे लोग को, उन लोगों को गरम गरम ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं गरम गरम ही बनाऊँगी और गरम गरम ही दूँगी खाने के लिए। तो आटा तो लगा के रख दिया, सब कुछ रेडी ही है, दाल वोल सब पीसा हुआ है, तो हो जाएगा फटाक से। और यहाँ पे देखिए मैं पूड़ियाँ निकालते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ गर्मा गर्म, ये देखिए। और बस पूड़ी छानते रहे। और आप लोग कैसे मनाते हैं आप लोग भी बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों बन गया है मेरा खीर और ये दाल पूड़ी, और क्या बोलते हैं खीर दाल पूड़ी सब बन गया है। और अब हम मतलब मैं खाना भी लगा दूँगी, तो ये गर्मा गर्म बन गया है। और अदरा स्पेशल ब्लॉग है ये, तो आप देखिएगा। यहाँ पे ना दोस्तों हम लोग के मतलब घर के तरफ कलश स्थापन हुआ था, यहाँ मंदिर मतलब था, मंदिर है, तो वहीं से कलश निकला था सब कलश यात्रा, तो उसी का छोटा सा वीडियो है आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये देखिए, सब एक ही कलर के कपड़ा, एकदम एक ही कलर के मतलब कलश, और बहुत अच्छा लगता है देख के। और मैं भी उठाती लेकिन मुझे ना पहले उतना मालूम नहीं था, और तो बस मैंने थोड़ा सा वीडियो सिर्फ बना लिया था, इधर से जा रहा था इसलिए, और पहले से मालूम रहता ना तो मैं भी करती। और ये देखिए अभी मैं आई उधर से देख के, उसके बाद लगाई हूँ खाना। तो देखिए खीर है, दल पूड़ी है, और ये आलू वाली सब्जी है, आराम है दोस्तों। तो बस आ जाइए आप लोग भी और अदरा स्पेशल ब्लॉग का मज़ा लीजिए, और टेस्ट करके बताइए कैसा है। और बहुत मतलब कि टेस्टी सब बना था, और बहुत अच्छा भी बना था। और बस यहाँ कलश स्थापन जो हुआ था ना, तो हम लोग को रात में ही पता चला था, और सुबह कलश निकलने ही वाला था जैसे, तो हम लोग नहीं मतलब कि उसमें नया कपड़ा सब कुछ नया नया चाहिए था, इसीलिए फिर हम लोग ना नहीं मतलब कर पाए तो इस बार। तो चलो कोई बात नहीं है, अगले बार फिर कभी होगा तो मैं करूँगी। और खाना में इतना मतलब नाश्ता में इतना हैवी बना था ना
इसलिए खाना में एकदम सिंपल भिंडी की भुंजिया और दाल चावल ही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि भिंडी घर में था, आपको पहले ही मैंने बोला था। तो बस मैंने भिंडी दाल चावल बना दिया और बच्चे लोग भी खा लेते हैं, तो सिंपल सा हल्का फुल्का सा बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, तो बच्चे लोग भी खा पी लिए थे। और मुझे ना, आप लोग भी आ जाइए दोस्तों लंच करने के लिए। और बस मैं ना, मुझे बहुत मन था जाने का कलश स्थापना में, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि मौका नहीं लगा। और मौका लगता है ना जब भगवान का होता है ना जाने का, तो कैसे भी करके आदमी चल ही जाता है, लेकिन जाने का नहीं था इसलिए मैं नहीं जा पाई दोस्तों। तो चलो कोई बात नहीं है, और फिर कभी निकलेगा तो मैं जाऊंगी। और फिर मैं छत पे आ गई हूँ और सारा काम उम समेट के। और आपको कैसा लगा दरा स्पेशल ब्लॉग, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मैं छत पर आई हूँ, थोड़ा सा घूम टहल ले रही हूँ, और फिर उसके बाद अभी फिर नीचे जाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं, और पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, अब न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। और आप लोग तरफ भी कलश स्थापन हुआ था तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और बस इधर ना अभी बारिश का भी मौसम शुरू हो गया है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन देखिए अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया है, तो लग रहा है ना बादल है इसीलिए। तो ऐसा होता है, बादल रहता है ना तो अंधेरा टाइप का, लेकिन मौसम बहुत सुहाना है, एकदम ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लगता है। और छत पर से सीन भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको दिखाते रहती हूँ ज़्यादातर, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बस मैं हूँ, बच्चे लोग आते हैं, और बारिश हुआ था पहले।